झालावाड़ के पनबाड़ कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही से वर्षों पुरानी भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त होने से एक दर्जन से अधिक टंकी के आसपास के मकानों में दरारें आ गई, जिनके मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टंकी मोहल्ले निवासी रामस्वरूप शर्मा, निर्मल गुप्ता समेत अन्य मोहल्ले निवासियों ने जलदाय विभाग के AEM प्रियंका साहू और SDM श्याम सुंदर चेतीवाल को दिए ज्ञापन में बताया कि टंकी के आसपास वर्षों पुरानी भूमिगत पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी अंदर ही अंदर बैठता रहा, जिससे मकानों में दरार आ गई। हर दिन दरारें बढ़ती जा रही है और मकान गिरने की आशंकाएं हैं। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पार्थी गनों अपने घरों में रहना दुभर हो गया था तथा जान का खतरा बना हुआ है। मकान दुरुस्त करवाने के लिए उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। झालावाड़ से हमारे संवाददाता सुरेश सुमन की खास रिपोर्ट।